शान मीडिया। यह है शान मीडिया। शान मीडिया देखने के लिए शान मीडिया ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी का निशान भी दबाएं। शान मीडिया पेश करता है सटीक व सही खबरें, देखते रहिए शान मीडिया। शाहजहांपुर मेरठ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। किठौर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर निवासी वृद्ध महिला के 6 लाख बैंक खाते से उड़ाए प्रश्न। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बैंकों से मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के अनुसार उसे खाते से 6 लाख की रकम उड़ा ली। जी हां, ताज़ा मामला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर वृद्ध महिला के अनुसार बैंक की मिलीभगत से महिला के खाते से 6 लाख उड़ा ले गए। आपको बता दें, पहले भी विवादों रह चुका है भारतीय स्टेट बैंक की शाखा। इस पूरे मामले में महिला ने बैंक मैनेजर पर सांठ गांठ कर कामिल नाम के युवक पर धोखाधड़ी कर 6 लाख निकालने का आरोप है, जबकि ब्रांच मैनेजर मामले में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में किठौर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि थाना पुलिस से न्याय न मिलने के बाद आज पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी। आप कौन हो? जिनके अंगूठे होते हैं ना, भारतीय स्टेट बैंक किठौर की ब्रांच ने 5.5 लाख रुपए निकाल लिए। उनके माता जी जिनके अंगूठे होते हैं ना, भारतीय स्टेट बैंक किठौर की ब्रांच ने 5.5 लाख रुपए निकाल लिए। उनके माता जी वाली वो जो 6 लाख रुपया है वो हमने जमा करा, धो के सब खुद ही किसी और का अंगूठे लगवा के पूरी रकम निकाल दी। अभी कहाँ से निकाल? क्या नाम है आपका? साइमा। क्या हुआ है आपके साथ? मतलब धोखे से पैसे निकाले गए हैं। कितने पैसे निकाले? 6 लाख। कैसे कैसे निकले? फर्जी अंगूठा लगा के। तो किसी बैंक से मिली भगत थी। मतलब कितनी बार में निकाले हैं पैसे, कुछ आइडिया? 10-15 बार। कितने और कौन लोग हैं पता चला कुछ? जी पता है, किठौर का ही है, कामिल नाम है, सनोफ नजीर। अच्छा, इसकी कोई कंप्लेंट करी है आपने? जी करी है। तो क्या कह रहे थाने वाले? थाने वाले ने तो बहुत कुछ कहा है उसे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने फोन करा, बुलाया था, फोन करा था आ जाना, लेकिन वो बोला शाम को आ जाऊंगा, लेकिन पहुंचा नहीं अभी। अच्छा, किस तरीके से पैसे निकाल रहा है वो आपके बिना परमिशन के? भाई मतलब उसे बेटा बना रखा था इन्होंने, इनके बेटा था नहीं, उसे ही बेटा बना रखा था, उसके ही पासबुक थी। आज आप वो उसने चुरा ली, चुरा करके उसने सारे पैसे निकाले। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने तो बस लिख लिया जी, बैंक की मिली भगत थी वो। आम तौर पर जैसे बैंक में जिसका अकाउंट होता है उसी को पैसे निकालने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी उसे ही दिए उन्होंने, बैंक वालों ने जी शिकायत करी जी। तो क्या कहा बैंक मैनेजर ने? बस वो तो चुप है और कह रहा है कि किस तरह से निकले हैं। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? नाम आप देख रहे थे शान मीडिया।